वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी वो होगा आपका डिटर्मिनेंट का प्रैक्टिस सेशन होगा। एक सेशन में आपको पहले दे चुका हूँ 35 से 40 क्वेश्चंस, उसके अंदर मैंने आपको सोल्व करवाए थे। ये आपके पास दूसरा सेशन होगा जिसके अंदर आपको आगे के जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट ये थे, सर डिटर्मिनेंट पूरा हो गया है क्या? डिटर्मिनेंट के अंदर कोई नई चीज़ तो है नहीं, है ना, और सिंपल सा टॉपिक होता है, सिंपल से इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और पीडीएफ जो होगा मैं आपको दे दूंगा इस क्लास के बाद में, दोनों के जो पीडीएफ होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम पता भरने के बाद में उसके अंदर आप ये वाली कैटेगरी NDA एयरफोर्स XY नेवी कैटेगरी आप सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद में आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से सर्च करिएगा। ऐसा प्रोफाइल और मेरे क्लासेस का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको ऐसा दिखेगा, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हमेशा मेरी 9 AM पर फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट आपके पास आता है, ठीक है, फुल मॉक टेस्ट आता है। और फुल मॉक टेस्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा द गेम चेंजर, बहुत ही शानदार वाली सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट करी है द गेम चेंजर। जैसा कि बच्चा आपने पहले पढ़ा है कि आपने देखा होगा कि पहले की जो क्लासेस है उसके अंदर रोफेल सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, है ना, तो रोफेल सीरीज की ही फोटोकॉपी है ये मान के चलो आप, है ना। रोफेल सीरीज के जैसे ही क्वेश्चंस आपको इस गेम चेंजर सीरीज के अंदर मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई होगा बेटा, है ना। चलो जी, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ के चार्जेस हैं, लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में एक ही कोड का यूज करके आप मैथ फिजिक्स इंग्लिश रागा की पूरी पूरी क्लासेज आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरस सर, जहाँ पर आपको पूरे PDF और क्लासेस का जो लिंक है वो हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारी टीम है टीम आरस सर, जो आपके लिए तन मन धन से बिल्कुल दिन रात लगी हुई रहती है, किसी भी तरह से कोई भी कमी हमारी टीम की तरफ से नहीं छोड़ी जाती है, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, ये क्लासेस का कंप्लीट टाइमिंग है, कंप्लीट क्लासेस का जो टाइमिंग है सुबह से लेकर 5 बजे तक की क्लासेस आपकी इस रूटीन के अकॉर्डिंग चलती है, तो एक बार आप इनको जरूर एनालिसिस कर लें। चलो जी, आ जाइएगा बेटा, है ना। चलो जी बेटा, 9:30 वाली क्लास नहीं, मैं 9 AM की क्लास की बात कर रहा हूँ। 9 AM पर क्लास, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेज होती है और टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी, जवाब दीजिएगा। और अगर आपको लगता हो कि यार सर वास्तव में हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार आप क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, ताकि और भी ज़्यादा बच्चे इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। चलो जी, आ जाइएगा, आ जाइएगा और जवाब दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है, जवाब दें, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें राइट होगा। चलो जी, बोलो 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 फटाफट से, कौन सा आंसर आपके पास इसमें आएगा ये आपको बताना है। हाँ जी, जवाब दें, जवाब दें फटाफट से, जो भी बच्चे आ चुके हैं, जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो जवाब दें इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपके पास सही होगा, सी ऑप्शन की डी ऑप्शन। चलो जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आपको करना है वो सॉल्यूशन इस तरीके से करना है, आपको क्या करना था, शुरू के ये जो दो कॉलम है इसको आप रिपीट कर दो, 4 -1 -4 -6 -1 और 11। अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 4। जब आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा +24। जब आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -11। जब आप इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो प्लस का हो जाएगा लेकिन -4। इधर मल्टीप्लाई करोगे -44। इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस का आपके पास 6 आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर दें कौन सा ऑप्शन आपके पास आएगा, इससे ये कैंसिल हुआ, इधर तो बचा आपके पास -20 और इधर बचा आपके पास -5। -25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आएगा सर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आगे वाला बहुत ही शानदार वाला सवाल है, बहुत ही शानदार वाला सवाल है, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज़ होते हैं, काफ़ी बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अपन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये क्वेश्चन आप ये मत देखिएगा कि बड़ा है ना, तुम्हारे हौसलों से बड़ा नहीं है। चलो जी,
जवाब दीजिएगा क्या होगा आपके पास। ए और बी जो है, ए बी सी आपके पास अलग अलग अगर हो, ए बी सी अगर आपके पास अलग अलग हो तो इसकी जो वैल्यू है इसका मान शून्य होगा, उसका कंडीशन आपको बताना है, इसका मान कब जीरो होगा ये बताओ। चलो जी, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जवाब देना है कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। जरा सोचिए एक बार, क्वेश्चन को सोचिए कि सर यहाँ पर आपके पास ये जो कॉलम है इसमें दो नंबर प्लस में है, तो इसको दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल, ए ए स्क्वायर और ए क्यूब है ना ऐसा, और यहाँ पर होगा बी बी स्क्वायर और बी का क्यूब होगा, यहाँ पे होगा सी सी स्क्वायर सी का क्यूब होगा, ये एक डिटर्मिनेंट आ गया। प्लस दूसरा जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा ए ए स्क्वायर और वन आ जाएगा, और बी बी स्क्वायर और वन, और सी सी स्क्वायर और वन, ये दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा। आप देखो अगर इसमें से अपन ए बी सी कॉमन लेते हैं, पहली पंक्ति में से तो ए लिया, दूसरी में से बी लिया, तीसरी में से सी लिया, तो इसका मतलब आपके पास ये जो डिटर्मिनेंट है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब ए बी सी कॉमन लेने से, अगर मैंने कॉमन लिया है पूरे में से डिटर्मिनेंट, ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ से एक एक पावर कम हो जाएगी आपके पास। इसका मतलब ये बनेगा आपके पास, एक तो अगर मैंने ये डिटर्मिनेंट कॉमन ले लिया तो ये आएगा आपके पास वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और वन प्लस ए बी सी, डिटर्मिनेंट पूरा का पूरा ही कॉमन आ गया। ये डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया तो यहाँ पे ए बी सी बचा, और ये डिटर्मिनेंट कॉमन आया तो यहाँ पे वन बचा। आप इसकी वैल्यू अगर आप काउंट करोगे तो वो क्या होगा आपके पास, वो होगा आपके पास ए माइनस का बी, और बी माइनस का सी, सी माइनस का ए, और इंटू वन प्लस ए बी सी है ना, और बराबर में कितना है जीरो। आप देखो कि ये वाली टर्म है ना, तीनों का प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है जब दो सेम हो। इसका मतलब दो सेम नहीं है, इसका मतलब ये जीरो है, वन प्लस ए बी सी बराबर जीरो, और क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा। आ गई क्या? हाँ जी, पहला ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, पहला ऑप्शन। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। आगे वाला सवाल, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जवाब देना। देखें, वन 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 ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी आपको दे रखा है। हाँ जी, जवाब दें क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसका सही होगा, समझो जरा बात को, समझो कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा इस क्वेश्चन में। चलो जी, समझना बेटा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इन दोनों को आप क्या कर दो, प्लस कर दो। इन दोनों को प्लस करोगे तो वन ए, ये आ जाएगा ए प्लस का बी प्लस का सी, ये आएगा वन ये बी, और ये आएगा ए प्लस का बी प्लस का सी, ये आएगा वन ये सी, और ये आएगा आपका ए प्लस का बी प्लस का सी। आप क्या करो, इसमें से ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकालो। अगर ये वाला पूरा ब्रैकेट जब इसमें से निकल के बाहर आता है तो ये वन वन वन, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, दो कॉलम सेम, और दो कॉलम सेम तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन राइट होगा, सही बात है। आगे चलते हैं सर, आगे वाला सवाल ये रहा, के की वैल्यू आपको बतानी है, के की वैल्यू आपके पास क्या होगी, के की वैल्यू जरा बताइएगा, के की वैल्यू क्या होगी आपके पास। बहुत बढ़िया वाला सवाल है, बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है। जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। वन के थ्री, थ्री के माइनस टू, टू के माइनस वन, टू थ्री माइनस वन, तो के की वैल्यू आपको बतानी है, क्या होगी के की वैल्यू, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगी के की वैल्यू। तो भाई के की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे जिस तरीके से क्वेश्चन को करें, मैं इसको सारूस रूल से कर रहा हूँ, ये वन, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू, यहाँ पे के, यहाँ पे के, और यहाँ पे थ्री। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का के आएगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर के आएगा, और जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सत्ताईस आएगा, ठीक है। जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिक्स के आएगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का सिक्स आएगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का थ्री के, और इसको क्या कर दो, जीरो। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस के ग्यारह में से तीन गया, माइनस का आठ के, और प्लस आप इन दोनों को ऐड करोगे तैंतीस। अच्छा है ना, देख लो, देख लो एक बार, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है, कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक तो नहीं होगी है, नन ऑफ दीज आएगा क्या, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज आना चाहिए शायद, है ना।
हाँ जी, डी ऑप्शन आपके पास सही आएगा, बराबर में अगर आप जीरो करते हो तो शायद आपके पास नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज आपके पास इसका राइट आंसर होगा। चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल है, आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। चलो जी, बोलिए 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 भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, थोड़ा सा सिंपल सा। चलो जी, काफ़ी बच्चे घूम जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं उसमें भी घूम जाते हैं बच्चे, है ना। चलो जी, लगाओ 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 दिमाग लगाओ, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आप देखोगे कि इन दोनों में किस चीज़ का फर्क है, के का, तो अपन क्या करेंगे इसमें से के कॉमन लेंगे, और जब भी डिटर्मिनेंट में से, सारणिक में से अगर अपन कॉमन लेते हैं वो या तो किसी पंक्ति या फिर किसी स्तंभ में से, या तो रो में से या कॉलम में से, इसमें से बाहर निकाला, इसमें से बाहर निकाला, इसमें से, तो तीन के बाहर आएंगे और तीन के बाहर आके के क्यूब, और फिर जो आपके पास बनेगा ए बी सी एक्स वाई जेड और यहाँ पर पी क्यू आर, इसका मतलब यहाँ पे जो डिटरमिनेंट बनेगा वो बनेगा डेल, इसका मतलब के क्यूब इंटू डेल, और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा। सही है, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो सर, आगे वाला सवाल ये आया, आगे वाला क्वेश्चन ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। चलो जी, ध्यान से देना आंसर, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करें फिर आंसर दें कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इस क्वेश्चन में। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही हो सकता है। आपको दे रखा है ए माइनस वन, बी माइनस वन, सी माइनस वन, ए बी सी, बी सी, सी ए और ए बी। चलो जी, काफ़ी बच्चों ने आंसर दिया है, काफ़ी बच्चों ने जीरो दिया है, कई बच्चों ने डी दिया है। देखो कैसे करते हैं, इसको भी दो बार लिखना पड़ेगा। अगर इसको आप दो बार लिखते हो तो ये आएगा आपके पास ए बी सी, इधर भी आएगा ए बी सी, ये आएगा बी सी, सी ए और ए बी, है ना। एक तो ये आया, एक आपको क्या करना है प्लस करके जब लिखोगे तो ये आएगा माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ पर ए बी, यहाँ पे ऐसा, है ना, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे सी ए और यहाँ पे क्या आएगा ए बी आएगा। समझ रहे हो बात को। तो सर यहाँ से आप देखो कि दो कॉलम तो सेम, इसकी वैल्यू तो क्या होगी जीरो, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से पहले तो निकालो माइनस को बाहर, और माइनस को बाहर निकालने के बाद में एक बार ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से, इसको सी से मल्टीप्लाई। देखो माइनस को निकाला बाहर और मैंने ए से मल्टीप्लाई करूंगा पहली पंक्ति को, तो क्या आ जाएगा ए ए स्क्वायर और ए बी सी आ जाएगा। दूसरी को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बी बी स्क्वायर ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर मैंने सी से किया तो सी सी स्क्वायर ए बी सी आ जाएगा, और मैंने जब इसको ए बी सी को ही बाहर निकाला तो ये ए बी सी कट गया। और इसकी जो वैल्यू आपके पास होती है उसके अंदर चक्कर पड़ेगा आपके पास इनके सिक्वेंस का, इनको चेंज करना पड़ेगा आपको, और चेंज करोगे तो ये माइनस हट जाएगा और वापस वो का वही आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आएगा, जीरो नहीं आएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है ना, अब इसके अंदर माइनस का चक्कर इस वजह से पड़ा, बच्चों ने डी जो आंसर दिया है, आप देखो कि अगर आपके पास ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो सिक्वेंस क्या होना चाहिए, सिक्वेंस होना चाहिए वन और ये साथ में होनी चाहिए, बढ़ती हुई पावर में होना चाहिए। तो जब आप क्या करोगे, बढ़ती हुई पावर में लाओगे तो आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना, इसको इधर इसको इधर, तो एक बार माइनस फिर इसको इधर इसको इधर, तब आपके पास ऐसा आएगा। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बड़ा सीधा सा सवाल है, जवाब दें, देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। अगला सवाल क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। बेटा बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, आप ये मान के चलो कि उसके बाद में आप चाहे भी कोई भी बुक उठा लो, चाहे आप आर एस अग्रवाल करो, चाहे लूसेंट करो, चाहे पाथफाइंडर करो, चाहे जो बुक उठा लो, सबके क्वेश्चन मैंने डाल दिए। हाँ जी, चलो जी, देखो इस क्वेश्चन के लिए अगर आप यहाँ से एम को बाहर निकालते हैं, इस कॉलम में से M बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा, A1, A2 और A3, यहाँ पे क्या बचा A1, A2 और A3। देखो दो कॉलम सेम और दो कॉलम सेम तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, तो आपके पास सही ऑप्शन कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन सही आएगा। सही है, आगे चलो सर, आगे वाला सवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन ही है ना, शायद मैं पहले करवा भी चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो
पहले करवा भी चुका हूं इस क्वेश्चन को, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है क्या होगी, क्या होगी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू। सेट थ्योरी की प्रैक्टिस कल से होगी बेटा ना, सेट थ्योरी का प्रैक्टिस सेशन कल मिलेगा आपको, है ना। चलो जी, इसमें क्या करें आप, इन दोनों को प्लस कर दो एक बार, तो क्या आएगा, सिक्स आयोटा प्लस का फोर, ये जीरो, ये जीरो, ये फोर, ये थ्री आयोटा और ये माइनस का वन, ये आपके पास ट्वेंटी, ये थ्री और ये आयोटा, ठीक है। इसका एक्सटेंशन कर लो और इसके सापेक्ष अगर प्रसार करोगे तो आपके पास आएगा जीरो, जीरो बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, और क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, इस समीकरण के मूल आपको बताने हैं, क्या होंगे इस समीकरण के मूल, जरा दिमाग तो लगाइए, समीकरण के मूल बताने हैं आपको कि कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास इससे आएगी वो आपको बतानी है। बहुत ही प्यारा सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, लॉजिकल आते हैं, प्रॉपर्टीज के बेस पे आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। चलो बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लास्ट वाला समझ नहीं आया, लास्ट वाले में कुछ था ही नहीं ऐसा समझने के लिए, तो यार दो कॉलम सेम आते हैं, दो कॉलम सेम तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, क्या करना है। चलो समझना इसको, देखो इसमें क्या है कि सर आप इसके रेस्पेक्ट में प्रसार करो, एक्स के रेस्पेक्ट में जब प्रसार करोगे तो ये पंक्ति ये स्तंभ गया, तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सोलह इंटू नौ, है ना, बराबर आपके पास क्या जीरो। जब आप इसको जीरो के बराबर करोगे, एक तो अक्ष बराबर जीरो और एक अक्ष बराबर आपके पास प्लस माइनस चार या बारह आएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर एक तो जीरो आया, एक प्लस का बारह आया, एक माइनस का बारह, जीरो प्लस का बारह माइनस का बारह, बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे वाला सवाल ये रहा, और जिन भी बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो लाइक करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमारा मोटिवेशन काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। चलो जी, सुबह जो आपकी क्लास होती है कॉन्सेप्ट की क्लास होती है 11 बजे, उसके बाद में आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, और एक अनअकैडमी पर क्लास होती है 9 AM पर, उसको ज़रूर से ज्वाइन करिएगा आप। चलो जी, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। अजीत गोस्वामी ने आंसर इसका जो दिया है वो बी ऑप्शन दिया है। हाँ जी बोलो 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 भाई, बी ऑप्शन आंसर दिया है बच्चों ने, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। एक्स की वैल्यू बतानी है यार, सीधा सा सवाल है ये तो, एक्स की वैल्यू बतानी है, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। आप इसमें एक्सटेंशन कर लो, फायदेमंद रहोगे, एक्सटेंशन कर लो। हाँ कैसे करते हैं वो देखो, कि ये करो आप सारूस रूल्स हैं, कि यहाँ पे सर आपने वन किया, यहाँ पे टू, पहले कॉलम को रिपीट कर दिया और दूसरे कॉलम को रिपीट कर दिया टू एक्स और फोर, ठीक है। जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा पाँच एक्स, इधर मल्टीप्लाई करोगे छत्तीया अठारह आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस का चौबीस आपके पास आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का नाइन एक्स आ जाएगा, माइनस का आपके पास बारह आ जाएगा, और माइनस आपके पास बीस आ जाएगा, बराबर आपके पास जीरो, समझ गए। इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस का चार एक्स प्लस का छः और प्लस का चार, प्लस का दस बचेगा शायद, है ना, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स बराबर आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा पाँच बटे दो, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, सही है, पाँच बटे दो आएगा भाई। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल बहुत ही शानदार तरीके से इसको घुमाया गया है, आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं है, ये मान के चलो कि बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, बस लगाने होते हैं आपको कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स लगानी पड़ती है। चलो जी बताओ 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 बताओ, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, सेम ऐसा का ऐसा ही सीक्वेंस आपको दे रखा है, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर ए प्लस बी, बी प्लस सी, ऐसा वाला क्वेश्चन सी होगा। चलो जी चलो जी चलो जी, देखो भाई क्या करते हैं इसे क्वेश्चन में, आप क्या कर दो इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दो,
और तीनों को प्लस करोगे तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डबल, और डबल में से मैं टू निकालूंगा बाहर। यहाँ पर मेरे पास ए प्लस का बी प्लस सी, यहाँ पे भी मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पे दे रखा है बी प्लस का सी, यहाँ पे सी प्लस ए, और यहाँ पे ए प्लस बी दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है सी प्लस ए, ए प्लस बी और बी प्लस सी। जरा ध्यान दीजिएगा, पूरे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस पंक्ति में से, इस पंक्ति में से इसको माइनस करो, इस पंक्ति में से इसको माइनस कर दो, और इस पंक्ति में से इसको माइनस कर दो, तो टू इन टू। अगर पहली जो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी है ना, ये तो आपके पास एज इट इज रहेगा पहली पंक्ति, तो इसमें से दूसरी में से पहली को माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का ए बचेगा। इसमें से आपने इसको माइनस किया तो क्या बचेगा, माइनस का बी बचेगा। एक को ही काम कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, एक से काम कर लो, है ना। अगर आपने इस तीसरी में से इसको घटाया तो क्या बचेगा आपके पास, सी प्लस ए में से ये जाएगा तो माइनस का बी बचेगा, ठीक है। इसमें से ये जाएगा तो माइनस का सी बचेगा ऐसा। अब आप इन तीनों को प्लस करके वापस यहाँ पे जब लिखते हो, तीनों को प्लस करके यहाँ पे, तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सी, यहाँ पे ए माइनस का ए, यहाँ पे माइनस बी। इसमें से दोनों में से माइनस बाहर निकालो, इस पूरी पंक्ति में ऐसा ही बचेगा, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे माइनस ए ऐसा। और यहाँ पे बचेगा आपके पास क्या, ए, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, बी बचेगा। इन दोनों पंक्तियों में से माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, ये दो, और ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट बराबर आ जाती है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दो आएगी, है ना। आ गई बात समझ में। चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा। चलो जी, ये आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन, हाँ अलग अलग कर ले। अच्छा, अलग अलग करने से हो जाएगा, उसके अंदर छह डिटरमिनेंट बनेगी, उनमें से चार तो जीरो हो जाएगी, दो बचेगी, डबल हो जाएगी। हाँ जी, जवाब दीजिए, देखें कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है, कौन सा ऑप्शन आपके पास है। थोड़ा सा समझा करो, ध्यान से समझा करो, बन जाते हैं क्वेश्चन आराम से, है ना, आराम से बन जाते हैं। चलो जी, लगाओ लगाओ लगाओ, क्वेश्चन को सही तरीके से लगाओ, देखिए कौन सा ऑप्शन आपके पास बनने लायक है, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें बन सकता है। अच्छा चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से करो क्वेश्चन को। आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड कर दो। जब आप इसके अंदर x ऐड हो जाएगा, इसमें y और इसके अंदर z, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ये तो आया आपका बाहर, है ना। इसमें से चार को भी निकाला बाहर, तो ये दो कॉलम क्या बन जाएंगे आपके, वन 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 बन जाएंगे, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, लड्डू। सर्दियों में याद आ गए आपका लड्डू है। बताओ अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके पास, अगला सवाल ये रहा, अगला क्वेश्चन आ चुका है। आपको वैल्यू बतानी है x की, आपको मूल बताने हैं, समीकरण के मूल हैं। अच्छा, कई बच्चों को मैं ये देखता तो हूँ कि यार, कई बच्चे मतलब जो सेशंस आपको मिलते हैं, है ना, जो मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, फिजिक्स और इंग्लिश की प्रैक्टिस सेशन के लिए, सबसे ज़्यादा जो बच्चे मतलब इंग्लिश की क्लास के अंदर कम रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बच्चे अपनी ज़िंदगी में रोते हैं, तो वो इंग्लिश की वजह से रोते हैं। मतलब यार, आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई अपने बड़े भाइयों को कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आपके साथ के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है इंग्लिश में। अब भाई साहब, आपके लिए कोई फैकल्टी पूरे दिन भर दो दो तीन तीन क्लासेज प्रोवाइड करवा रही है, तब आप क्लास में नहीं आते हो, कॉन्सेप्ट के क्लास देखते नहीं हो, फिर डायरेक्ट क्लास में आते हो, ये सर हमने पढ़ा नहीं। मतलब कई ज्ञानी बच्चे हैं, मतलब ऐसे ज्ञानी बच्चे, कई बच्चे तो ये कमेंट करते हैं कि सर ऐसा तो एग्जाम में आता ही नहीं है। उन बच्चों के लिए क्या कहूं मैं, ऐसा एग्जाम में नहीं आता। तो भाई साहब, आप तो वही पढ़ना जो एग्जाम में आता है, ठीक है ना। फिर अगली बार बात करेंगे कि सर इंग्लिश में मेरे 5 ही नंबर आए। तो तीनों सब्जेक्ट को बराबर वेटेज से पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ो, बराबर ध्यान देके पढ़ो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हाँ जी, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, आप देखो जनरल जो वे का तरीका है, कितने आंसर आए, लड्डू आया है। चलो जी, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर अपन इन तीनों को जोड़ दें, है ना, इन तीनों को ऐड कर दें तो क्या फ़ायदा हो, इन तीनों को प्लस कर दें तो फ़ायदा होगा।
तो ये तीन तीन छः, ये छः माइनस का छः, तो यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, इन तीनों को प्लस कर दूँ तो माइनस एक्स बचेगा, इन तीनों को प्लस कर दूँ तो माइनस एक्स, समझ गए बात को। तो माइनस एक्स को तो मैंने निकाला बाहर, और क्या बचा, वन वन वन, यहाँ पे माइनस का छः, तीन माइनस एक्स और तीन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे माइनस का छः माइनस एक्स। आप क्या कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो जब माइनस करोगे तो माइनस एक्स तो बाहर है, माइनस अगर आप करते हो तो ये जीरो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स माइनस का नाइन आ जाएगा, और ये हुआ जीरो। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा प्रसार, इसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा क्या, प्रसार इसके रेस्पेक्ट में। तो ये तो इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, सॉरी ये इधर मल्टीप्लाई, तो आपके पास एक तो आया माइनस एक्स, और इसके रेस्पेक्ट में जब प्रसार करोगे तो वो माइनस का एक्स माइनस का नाइन, और ये आ जाएगा माइनस छः माइनस एक्स और माइनस का तीन। तो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू एक तो आएगी जीरो, और एक अक्ष की वैल्यू आएगी नौ, और एक अक्ष की वैल्यू आएगी आपके पास क्या, माइनस का नौ। तो दे तो नहीं रखा आपको, जीरो ही दे रखा है, तो ऑप्शन ही आ जाएगा आपका, सही है क्या? हाँ जी, समझ गए, चलो आगे चलते हैं। इसमें जीरो सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन, और तो दे ही नहीं रखे, नाइन आ रहा है लेकिन नहीं दे रखा। चलो जी, ये है बहुत ही बढ़िया वाला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो जी, बनाओ 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 फटाफट से। हाँ जी, बनाओ इस क्वेश्चन को, किस तरीके से बनाते हो आप, और वैल्यू निकाल के बताओ, देखें कौन सा ऑप्शन सही आएगा, कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन में सही आएगा, कौन सा सही आंसर आएगा। लगाओ सही ऑप्शन पे टिक लगाओ, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। चलो जी, देखो समझो, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना, दो कॉलम को प्लस कर देंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन, इन दोनों को ऐड किया टू, ये आया दूसरा कॉलम एज इट इज रहने दो, वन वन टू, दो कॉलम बराबर, वैल्यू क्या हो गई जीरो, दो कॉलम बराबर तो वैल्यू क्या हो गई जीरो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी सर, अगला सवाल ये रहा, आपको इस समीकरण के मूल बताने हैं, तो किस तरीके से करोगे, इस क्वेश्चन को देखें किस तरीके से करोगे, निपटा दो फाइल, निपटा दो फटाफट से, निपटा दो फाइल, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप इसको कर सकते हो सारूस रूल से, अगर करना चाहो तो बहुत फायदेमंद रहोगे, सारूस रूल से कर लेना क्वेश्चन को और सही बैठ जाएगा, सारूस रूल से कर लो क्वेश्चन को, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये भी तो टॉपिक वाइज ही है। चलो देखो यार, ये पूरी डिटरमिनेंट की है यार, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, एक बार जितना करवा दिया उतना तो करो आप कवर। चलो देखो क्या करेंगे, मैं इसको सारूस रूल से करूंगा, सारूस रूल से करने के लिए एक्स माइनस वन, और ये होगा आपके पास वन, ये वाला वन, ये वन, ये एक्स माइनस वन, और ये है आपका वन, दो कॉलम को रिपीट कर देते हैं, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों को तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब आ जाएगा, जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का वन आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का वन आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस वन, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस वन, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है ऐसा। तो अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार आप इसको ध्यान से देखो कि x माइनस वन का होल क्यूब है, और ये है आपके पास प्लस का टू, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे एक तो आएगा आपके पास प्लस का तीन, माइनस का आपका तीन है, ठीक है समझ गए बात को। जब इसका अपन क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस का थ्री एक्स और प्लस का वन, ऐसा आएगा, और प्लस आपके पास फाइव माइनस का थ्री एक्स बराबर जीरो, ऐसा आएगा। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन क्या बनी है, इक्वेशन बनी है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास सिक्स एक्स प्लस का सिक्स बराबर जीरो, ये इक्वेशन बनी है। अब आप इसके अंदर पुट करके ही चेक कर लो, आराम से पता चल जाएगा आपको, वन वन अगर आप इसके अंदर पुट करते हो तो वन पुट करने से सेटिस्फाई नहीं होगा, टू पुट करके देख लो, टू पुट करोगे तो आपके पास आठ माइनस चार या बारह, माइनस छः दूनी बारह प्लस का छः, आठ उठ से चौदह, ये भी नहीं हो रहा, माइनस का दो पुट कर लो तो ये आएगा माइनस का आठ आपके पास, और ये आएगा प्लस, तो ये आपके पास कोई सा भी सेट नहीं बैठ रहा इसमें, तो माइनस का वन पुट कर लो, देखें माइनस का वन, और ये आएगा माइनस का थ्री प्लस का छः, माइनस प्लस का
नहीं नहीं ये नहीं बैठ रहा सेठ, है ना, कौन सा ऑप्शन आएगा? हिट इन ट्रायल तो सही है, लेकिन एक बार आप देखो कि जो अपन ने प्रसार किया है वो तो राइट है क्या, एक बार मैं फिर से करके देखता हूँ इसको, देखे ना। चलो जी अपन प्रसार करते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो और इन दोनों को प्लस कर दो, तो यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या आएगा, एक्स, यहाँ पे कितना आएगा एक्स, यहाँ पे कितना आएगा टू, इन दोनों को प्लस करोगे टू, यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा आपका एक्स, यहाँ पे वन वन एक्स माइनस वन ऐसा आएगा, आया। इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये जीरो, ये आएगा टू माइनस एक्स और ये आया जीरो, एक्स एक्स वन टू एक्स और एक्स माइनस वन। अब कर दो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार, तो ये तो इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, इसका मतलब टू माइनस एक्स वो आएगा बाहर माइनस का और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस आपके पास टू ऐसा आएगा, समझ गए बात को? तो यहाँ से एक्स बराबर टू तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। एक बार इसका आप और करके देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स प्लस का एक्स माइनस का टू, तो एक्स वन और टू आपके पास राइट आंसर आएगा, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर है ना, ए ऑप्शन वन और टू राइट आंसर आएगा, पहला ऑप्शन प्रसार करके देख लो सही है। हाँ जी आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, क्वेश्चन को कभी भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन आते ही ऐसे ही है, आप ये मत समझो कि क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, आते ही ऐसे ही है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन। चलो जी जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? हाँ जी बोलो 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 बोलो, फटाफट से फटाफट से जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? ए ए प्लस टू बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए ए प्लस, मतलब बनाना है आपको क्वेश्चन, ठीक है बोलो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बनाओ 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 फटाफट से, देखें क्या बनेगा। ए ऑप्शन बना, बी ऑप्शन बना, एक बच्चे ने मंतु कुमार ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, अरविंद कुमार ने आंसर दिया है ए ऑप्शन। हाँ जी देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, आप ये देखो कि कोई कॉमन चीज बनाने की कोशिश करो, इन तीनों को प्लस कर दो आप, इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो थ्री ए प्लस बी आएगा, यहाँ पर भी आपके पास थ्री ए प्लस बी आएगा, यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा थ्री ए प्लस बी आएगा, तो ये थ्री ए प्लस बी को तो मैं बाहर निकालूंगा, थ्री ए प्लस बी को तो बाहर निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे वन 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 बचा, यहाँ पर आपके पास ए प्लस का टू बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए प्लस का बी, यहाँ पर आपके पास ए प्लस का बी, यहाँ पर ए प्लस का टू बी और यहाँ पे है ए, है ना। मैंने बाहर किसको निकाला, मैंने बाहर निकाला थ्री ए प्लस बी को, ऐसा निकाला। आप क्या कर दो माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे ये है थ्री इंटू ए प्लस बी, ये तो है बाहर, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो जीरो, माइनस करोगे तो टू बी, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का बी, समझ गए बात को? इसमें से इसको माइनस किया तो जीरो, इसमें से माइनस किया ए में से इसको माइनस किया माइनस का बी, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा टू बी, और ये वन ए प्लस बी और ए। अब आप वन के रेस्पेक्ट में प्रसार कर लो, ये आएगा आपके पास क्या फोर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फोर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब फाइव बी स्क्वायर आएगा, फोर बी स्क्वायर सॉरी फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब थ्री बी स्क्वायर, नाइन बी स्क्वायर ए प्लस बी, नाइन बी स्क्वायर ए प्लस बी, क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, है ना, बी ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर होगा, और बहुत ही बढ़िया सा सवाल ही है ना, ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। चलो आगे चलते चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, देखिए मैंने कल भी ये क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन कल भी मैंने करवाया था, मैं देखता हूं देखिए, मतलब इसका पहला जो सेट था डिटर्मिनेंट वन का, है ना, प्रैक्टिस सेट वन था, उसमें भी करवाया था मैंने। चलो जी याद है क्या बच्चों को, याद है भाई, याद है याद है याद है ये वाला सवाल, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बच्चों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, सर आंसर है चार, बिल्कुल सही बात है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा फोर, है ना, फोर आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैं चेक कर रहा था, देखिए याद भी रहते हैं क्या, कुछ क्वेश्चन याद भी रहते हैं क्या आपको। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला सवाल, आगे वाला सवाल ये आ चुका है, लगाइए टिक लगाइए, देखिए कौन से ऑप्शन पे टिक लगाते हो आप, कौन से ऑप्शन पे टिक लगाते हो, जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। हाँ
अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, वो पहले वाला क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, डाउट ही नहीं है उसमें तो। चलो समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, देखो ये आएगा जीरो, ये आएगा एक्स, ये आएगा जीरो, है ना, ऐसा। ये आएगा वन, ये वन माइनस एक्स, ये आएगा वन, ये वन 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 प्लस का वाई, कर दो यार प्रसार, कहाँ दिक्कत है, इसके रेस्पेक्ट में कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स इंटू वाई आपके पास राइट आंसर कौन सा आएगा, एक्स इंटू वाई आएगा, ठीक है। हालांकि इसके रेस्पेक्ट में प्रसार माइनस का होगा, और ये आपके पास वन प्लस वाई माइनस वन ऐसा है ना, तो आपके पास सॉरी माइनस एक्स वाई आंसर आएगा, माइनस एक्स वाई आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, डी ऑप्शन माइनस एक्स वाई आएगा बेटा, है ना, माइनस एक्स वाई क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बच्चों ने आंसर दिया सी ऑप्शन, गलत है, गलत है, सी ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा, माइनस एक्स वाई आएगा। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू आप बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, एक्स की वैल्यू बतानी है। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, आप देखो कि कोई भी कॉमन चीज बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे में आप इन तीनों को जब प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा 3x माइनस का 2, है ना, यहाँ पे 3x माइनस का 2 और यहाँ पे 3x माइनस का 2, है ना, इसको अगर अपन बाहर निकालेंगे तो x इक्वल टू 3/2 तो आएगा, x इक्वल टू 2/3 आएगा, x इक्वल टू 2/3 इस ऑप्शन में है, एक इसमें, इसका मतलब इन दोनों में से तो ये सरासर गलत है। 3x प्लस 2 को निकालो बाहर, मान लो कि मैंने इस ब्रैकेट को तो निकाल लिया बाहर, है ना, और फिर यहाँ पे बचा था 1 1 1, यहाँ पे 3 बचा था, यहाँ पे 3x माइनस 8 बचा था, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3x माइनस 8। एक और नमूना, आप क्या करो इसमें से इसको माइनस कर दो, और माइनस करोगे भाई इससे तो वैल्यू आ गई, अपने को पता है 2/3 तो आ गया डायरेक्ट ही, इसमें से इसको माइनस करोगे जीरो, और इसके इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, तीन में से इसको माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस का 3x, 5 माइनस का 3x, ठीक है, और इससे आपके पास एक मिनट देख लो, है ना, माइनस करने से क्या आएगा आपके पास 11/3, नहीं 11 आएगा ना, 11 माइनस का 3x मतलब 11/3 हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, 11/3 आएगा, सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे वाला सवाल ये रहा, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है और एनडीए के अंदर ये पूछा गया है सर, है ना, एनडीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर के अंदर ये वाला क्वेश्चन है कि एबीसी जब आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हो, एबीसी जब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी बताइए, बोलो भाई क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, दिमाग लगाओ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, एबीसी एपी में है, एबीसी आपके पास एपी में है, तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इस तरीके से करवाऊंगा, अगर एबीसी एपी में है तो इसका मतलब 2b = a+c होगा, मानते हो, अगर मैं क्या करूं इन दोनों को इधर ट्रांसफर करूं तो इसका मतलब सर 2b - a+c इसके बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा, 2b - a+c, मेरे को ये वाली स्टेप लाने के लिए, 2b लाने के लिए, 2b कब आएगा, ये रहा b, और ये 2b बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को प्लस करके माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आपको r2 जो है उसकी जगह क्या करना पड़ेगा, r2 को 2 से मल्टीप्लाई और r1 + r3 को ऐड करके फिर माइनस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब आपके पास पहली जो रो है x प्लस का 2, x प्लस का 3 और x प्लस a, ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा, दूसरी रो सॉरी तीसरी जो रो है वो भी आपके पास एसी की एसी एजिटिज है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस का 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो आपके पास ये इससे कैंसिल, इसका मतलब ये हुआ 0, ये हुआ 0 और ये भी 0, और आपके पास जब एक रो 0 आ गई तो इसका मतलब वो आंसर आएगा 0, करके देख लो आप चाहिए ना, कि भाई बीच वाली दो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस का 10 और इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे तो वो आपके पास ये तो आ रहा है, ये इससे कैंसिल, ये आ गया 0, समझ गए बात को, चलो जी। हेलो
आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, आपको जवाब देना है इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, जवाब दें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। डेल के बराबर आपको ये दे रखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ वैल्यू रख सकते हैं बेटा, वैल्यू वैल्यू रख सकते हो आप, लेकिन जहां से जैसा सिंपल हो ना क्वेश्चन, वैसे उस तरीके से करोगी ज्यादा फायदा रहेगा। जब अटक जाते हैं तब एबीसी की वैल्यू कोई भी मान लो आपकी इच्छा से, तब हो जाएगा क्वेश्चन, निकल जाएगा आराम से। चलो जी, इस क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाए थोड़ा सा कि सर अगर मैं इधर से मैं टू कॉमन ले लूँ, टू कॉमन ले लूँ तो टू तो बाहर आया, इधर क्या बचेगा एक्स टू वाई और ये बचेगा जेड, यहाँ पर पी, यहाँ पे टू क्यू और यहाँ पे आएगा आपके पास क्या आर, यहाँ पे क्या ए, यहाँ पे टू बी और यहाँ पे सी। आप क्या करो इस टू को भी निकाल लो बाहर, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट बन जाएगी ये वाली, तो फोर इंटू डेल राइट आंसर आ जाएगा, फोर इंटू डेल राइट आंसर बी ऑप्शन, फोर इंटू डेल आ जाएगा। आगे वाला सवाल ये रहा आप लोगों के लिए, आगे वाला क्वेश्चन, ए भाई 6 के बराबर नहीं है ऐसा दे रखा है, ए इज नॉट इक्वल टू 6 और बी और सी सारणी को संतुष्ट करते हैं, तो बताइएगा ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ए बी सी की वैल्यू बतानी है क्या होगी। दिमाग लगाओ ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप करोगे, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आपको करना है। बराबर अगर 0 दे रखा है तो ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू निकालनी है, और ऐसे क्वेश्चन को बेटा जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो मैं आपको यही राय दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन को सारूस रूल से कर लेना। आप सारूस रूल से अगर आप करोगे क्वेश्चन को तो फायदे में रहोगे, और फिर आपको कोई तरीका अगर और आता है तो कोई बात नहीं, हो तरीका लगा लो। हाँ जी, जवाब दो भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बोलो। ए बी प्लस बी सी, अच्छा देखते हैं। देखो भाई क्या करोगे आप, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया, ये 3 रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, और ये आपके पास 4, ये ए और ये आपका बी रहा, समझ गए बात को। अब आपको जो एक्सटेंशन करना पड़ेगा वो किसके रेस्पेक्ट में, ए माइनस 6 के रेस्पेक्ट में, बराबर में है 0, ए माइनस का 6 और इंटू आपके पास आएगा क्या बी स्क्वायर माइनस का ए सी और बराबर कितना 0। आप ये देखो बेटा बात को, आपको क्या पूछा है, आपको देखो ये तो 0 है नहीं क्योंकि दे रखा है ए नॉट इक्वल टू 6, इसका मतलब ये वाला ब्रैकेट 0 होगा, बी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आया ए इंटू सी। आपको वैल्यू किसकी पूछी है, ए बी सी की, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए बी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या आएगा ए बी सी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बी क्यूब। शानदार वाला सवाल है, ए बी सी की वैल्यू आएगी आपके पास बी क्यूब आएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, सी ऑप्शन। आधे से ज़्यादा बच्चों ने तुक्का लगाया है, आधे से ज़्यादा बच्चों ने तो तुक्का ही लगाया है, ए ऑप्शन बी ऑप्शन पता नहीं कौन कौन से लगाए हैं, बी क्यूब सही आंसर आएगा इसका, इस तरीके से करना है। हाँ मेरे बताने के बाद में तो सबके सही आंसर आते हैं हमारे। चलो आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल आपके स्क्रीन पर जरा देखिएगा, और बिल्कुल शानदार सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, लगाओ टिक लगाओ टिक लगाओ, क्वेश्चन को टिक लगाओ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, आ ही नहीं रहा था सर। अरे यार सीधा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था वो, तो लगाओ ये वाला क्वेश्चन लगाओ, आपको टाइम दे रहा हूं मैं क्वेश्चन को करने का, आराम से क्वेश्चन को करो फिर जवाब दो, और इसमें आराम लेने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हैं इस क्वेश्चन में तो आराम लेने की जरूरत ही नहीं है, एक एक बच्चे का आंसर आ सकता है यार इसमें तो। बिल्कुल सही बोला कि सर इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, कैसे कि सर इधर से मैंने दो निकाला, दो निकाला तो इधर कितना बचा 3, तो सर इधर से मैंने 3 भी निकाला है ना, तो आपके पास ये सेम बच जाएगा, इसका मतलब आपके पास 6 के आंसर आ जाएगा। चलो फिर आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला सवाल ये रहा, आप बताना है, आपको ये बताना है कि ए और बी की वैल्यू का कंपैरिजन कैसे करोगे आप, ए और बी की वैल्यू का कंपैरिजन करना है आपको, क्या होगा ए और बी की वैल्यू का कंपैरिजन, देखें लगाओ
हाँ जी जवाब दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट से बोलो भाई क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ जाओ पहले कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन। आप ए की वैल्यू निकालो और बी की वैल्यू निकाल लो, समझने की कहाँ जरूरत है, समझने की जरूरत ही नहीं है, ए और बी की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ए की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन करो, 4 के रेस्पेक्ट में करोगे, 4 तिया 12 और 2 14 और 56 आ जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर आप करते हो तो ये आएगा आपके पास -1, -6, -7, -14 आ जाएगा। 56 में से 14 अगर माइनस होते हैं तो ये आपके पास बचता है क्या, ये बचेगा आपके पास 42। सही बात है, उसकी वैल्यू भी निकाल लो और सेम उसी के रेस्पेक्ट में कर दो। वैसे तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, कॉमन ले लेते। आप देखो इसमें से आप कॉमन ले लो ना 2 को, इसमें से कॉमन ले लो किसको, 2 को, तो आपके पास b बराबर आएगा 4a, और b बराबर 4a कौन सा ऑप्शन है, b बराबर 4a। ठीक है, b बराबर 4a राइट ऑप्शन होगा आपका, ए ऑप्शन। सही बात है, b बराबर 4a आएगा राइट आंसर। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन पर। लगाओ जी दिमाग लगाओ फटाफट। दिमाग लगाना है क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, लगाओ 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 दिमाग लगाओ। चलो जी लगाओ। हाँ समझना, देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आप 5 की पावर को कॉमन ले लो, इसमें से आपने 2 पावर निकाली, 5 की पावर 2, इसमें से 5 की पावर 3 निकाली, इसमें से 5 की पावर 4 निकाली, 4 3 7 और 2 9, 5 की पावर 9 तो आई बाहर। इसमें से 2 पावर निकाली तो क्या बचेगा आपके पास, 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। यहाँ से आपने 5 की पावर 3 बाहर निकाली तो क्या बचा, 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। 2 कॉलम बराबर, 2 कॉलम बराबर तो वैल्यू क्या हो गई, 0। कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। लड्डू गोपाल जी है, लड्डू गोपाल जी आंसर आ गए। ठीक है आगे बढ़ो। लो फिर आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ओमेगा से रिलेटेड बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन बनता है ये। ओमेगा वाला जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही शानदार वाला सवाल बनता है, जवाब दें। देखें पीछे वाला क्वेश्चन गलत है सर जी, पीछे वाले क्वेश्चन, ओ हो क्या बात है। चलो देख लो एक बार बेटा, इसमें से क्या किया है, मैंने 2 कॉमन लिया है ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ -4 आएगा इसमें, सही बोल रहा है बच्चा, क्योंकि इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा, है ना। सही है क्या, अच्छा एक मिनट में देख लो। इसमें से मैंने 2 कॉमन लिया, उसके बाद में इंटरचेंज किया, 2 कॉमन लेकर, अच्छा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार क्वेश्चन के अंदर। 4 0 लॉजिक है भाई, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार आप कैलकुलेट कर लेना इस क्वेश्चन को, हो सकता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि 1 2 कॉलम तो सेम आ रहे हैं, बाकी सेम नहीं आ रहे, आप कैलकुलेट करोगे इसको। हाँ बोलो इसका आंसर बताओ, देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन में, बोलो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ओमेगा वाला सवाल, ओमेगा वाला सवाल, क्वेश्चन में गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है गड़बड़। हाँ जी जवाब दीजिए, ओमेगा से रिलेटेड कैसे करेंगे, समझो बेटा बात को, कि या तो आप प्लस कर दो या माइनस कर दो, है ना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप ऐसे भी प्लस कर सकते हो, इनको भी प्लस कर सकते हो, इन दोनों को प्लस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या आएगा, समझो कि 1 और 1 कितना हुआ सर, 2 हुआ। इन दोनों को प्लस किया तो सर माइनस का ओमेगा स्क्वायर ही तो बचा, इन दोनों को प्लस किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वो हो गया सर माइनस का ओमेगा, सर इन दोनों को प्लस किया 1 और 1 हो गया 2, सर इन दोनों को प्लस किया तो माइनस का 1, इन दोनों को प्लस किया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा जो होगा -1, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 होता है आपका ओमेगा। समझ गए बात को,
अब आप कर लो कि दो कॉलम रिपीट कर दो, टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का ओमेगा, टू माइनस का वन माइनस वन। लो जी, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का आएगा आपका टू ओमेगा। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब आएगा वन और ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस का टू। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, प्लस का ओमेगा स्क्वायर। आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया इनको तो माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, माइनस ओमेगा और ये आएगा आपके पास प्लस का टू ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस आपका टू आंसर आएगा, है ना। चलो ये इससे गया और ये आपके पास दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, टू ओमेगा स्क्वायर थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस थ्री ओमेगा, थ्री ओमेगा स्क्वायर माइनस का थ्री ओमेगा, ऐसा आएगा। तो यहाँ से थ्री ओमेगा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ओमेगा माइनस वन, थ्री ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, ओमेगा माइनस वन, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, है ना। चलो जी, अरे आ गया सही आंसर है, ए थ्री वन में ओमेगा स्क्वायर आएगा, ए थ्री वन में ओमेगा स्क्वायर, अच्छा वन नहीं, नहीं दोनों को प्लस किया ना, ओमेगा स्क्वायर नहीं, बिल्कुल सही कर लिया मैंने, दोनों को प्लस करने के बाद में कर लिया, सही है क्या, बी ऑप्शन सही आना चाहिए इसमें, बी ऑप्शन सही आना चाहिए, हाँ सही है। चलो जी अगला सवाल फिर ओमेगा का, अगला सवाल फिर ओमेगा का जवाब देना, देखें कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बनाओ फटाफट से बना दो और बता दो क्या आंसर होगा, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का, बोलिए क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का। माइनस कैसे आया, माइनस इस वजह से आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस वन होता है, हाँ जी देखो इसमें भी ऐसे करना है, तीनों को प्लस कर दो तो तीन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो, ये वन ये ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा, ये वन ये ओमेगा स्क्वायर कर लो प्रसार इसके रेस्पेक्ट में, ये आएगा ओमेगा की पावर फोर जो क्या बन जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा तीन इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का वन प्लस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, माइनस इसकी वैल्यू होती है माइनस का वन माइनस का रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है ये कटेगा इससे और ये दोनों जुड़ के डबल दो का भाग लगाया तो आंसर आएगा थ्री रूट थ्री आयोटा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा थ्री रूट थ्री आयोटा, ए ऑप्शन सही आना चाहिए इस क्वेश्चन में, ए ऑप्शन सही आना चाहिए, आई थिंक ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, सही है क्या। जीरो कैसे आ गए, अरे मेरे भाई इन तीनों को जब तू प्लस करेगा तो वन, ये तो तीन हो गया, ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का नाम जीरो होता है, ये जीरो आएगा और इसे आपके पास ये नीचे वाले को ऐड करोगे तो जीरो आएगा। चलो आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन आया आपके पास, ये भी बढ़िया सा सवाल है, ये मैंने करवा भी दिया है, ये क्वेश्चन करवा भी दिया है, अब आप जवाब दोगे, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, डिटर्मिनेंट, मजा नहीं आ रहा है तो मजा कैसे आएगा भाई साहब मजे लेओगे तो फिर मजे ही लेना है, फिर मुझे मत कहना कि सर हाँ मैथ्स में दो नंबर कम पड़ गए, मजा ही नहीं आया था मजा किसी का गुलाम है क्या, मजा हाँ मजा नहीं आ रहा। चलो जी यहां से अपन क्या करेंगे, इसको ए से मल्टीप्लाई, इसको बी से मल्टीप्लाई, इसको सी से मल्टीप्लाई, अगर एबीसी से मैंने मल्टीप्लाई किया तो एबीसी का डिवाइड, ए से मल्टीप्लाई करोगे वन ये ए और ये आएगा ए बी सी, है ना, इसको बी से किया वन बी और ए बी सी, और इसको सी से मल्टीप्लाई किया वन सी और ए बी सी, आप करो ए बी सी को निकालो बाहर, और ए बी सी को बाहर निकाला तो यहाँ पे बन गया क्या वन 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 वन, दो कॉलम सेम वैल्यू जीरो। अब तो आ गया मजा, अब भी नहीं आया तो फिर आ भी नहीं सकता। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा अच्छा, मजा इस वजह से नहीं आ रहा, क्वेश्चन हार्ड नहीं लग रहे हैं अरे यार तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, क्वेश्चन सिंपल लगने लग गए, तो इसका मतलब ये भी मेरी गलती है हैं, मैं तुम्हारे वो कॉन्सेप्ट खराब पढ़ाऊं
और फिर क्वेश्चन तुम्हारे को हार्ड लगे है तब मजा आएगा। कभी तो हमारा भी नाम ले लिया करो यार। मैंने एक बार, तू अगर क्लास में था तो मैंने एक लाइन बोली थी पता है, तब भी एक बच्चे ने यही किया था, सर मेरा भी नाम ले लो एक बार। तो भाई तेरा नाम लेना मतलब तेरी अंतिम इच्छा ये है कि चलो हाँ सर मेरा नाम ले लो एक बार, आपके आप अगर मेरा नाम ले लोगे तो मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी है। चलो जी जवाब देना इस क्वेश्चन का, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट प्रसार कर लो है ना, डायरेक्ट प्रसार कर लो, और कोई उपाय भी नहीं है, नहीं तो फिर कोई लफड़ा हो जाएगा है, लफड़ा हो जाएगा और कुछ करने से। तो आप प्रसार कर लो, प्रसार करोगे x माइनस वन के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा आपके पास 6x माइनस का 18 माइनस का 20, और इसके रेस्पेक्ट में करोगे माइनस का 3 और ये आएगा आपके पास 12 माइनस 12 जीरो है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास x बराबर 1 और यहाँ से आएगा आपके पास x बराबर कितना, ये आएगा x बराबर एक तो आएगा 1, यहाँ से आपके 38 आया x बराबर 1 आ गया, x बराबर 1 राइट ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। चलो आगे, हाँ जी बताओ इस समीकरण के मूल आपके पास क्या होंगे, इस समीकरण के मूल क्या होंगे जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में ज्यादा से ज्यादा जीरो हो उनके रेस्पेक्ट में। हाँ जी बताओ क्या होगा, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं उसके रेस्पेक्ट में प्रसार किया जाता है ना, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज्यादा जीरो होते हैं उसके रेस्पेक्ट में ही प्रसार किया जाता है। करो 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 फटाफट से देखें किसके रेस्पेक्ट में आप प्रसार करते हो कि सर यहाँ पे तो ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर है ज़्यादा जीरो, तो इसके रेस्पेक्ट में प्रसार कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 16 बराबर जीरो और एक्स बराबर प्लस माइनस का 4, एक्स बराबर प्लस माइनस का 4 कौन सा ऑप्शन आया, ए ऑप्शन सही बात है। आगे बढ़ो, आगे वाला सवाल थोड़ा सा फास्ट करिए, थोड़ा सा और फास्ट करिए, अभी और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो जी जवाब दीजिएगा क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, इसमें भी आपको उसी तरीके से करने हैं, समझना समझना बात को समझना और उसी तरीके से क्वेश्चन को उड़ाना, फटाफट से देखें। आप इसमें सारूस रूल भी अप्लाई कर सकते हो, चलो मैं सारूस रूल से करता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पे माइनस का एक्स आएगा, यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे वन, इसके रेस्पेक्ट में आपके पास एक्स क्यूब, इसको करोगे जीरो, इसको करोगे जीरो, इसको करोगे जीरो, इसको करोगे तो क्या आएगा आपके पास प्लस का एक्स आएगा और ये आएगा प्लस का एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ से आपके पास एक्स बराबर तो आएगा माइनस का दो है ना, एक्स बराबर तो आएगा आपके पास माइनस दो, मतलब मैंने एक्स समझ गए क्या बात को, इसमें से मैंने कॉमन लिया एक्स क्यूब प्लस का टू एक्स है, एक्स क्यूब प्लस आपके पास टू एक्स बराबर जीरो, मैंने एक्स कॉमन ले लिया, ओहो कहीं ना कहीं लोचा है, माइनस एक्स वन जीरो, वन माइनस एक्स और वन, और इसके रेस्पेक्ट में क्या एक्स क्यूब, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आपके पास प्लस का एक्स और ये आपके पास प्लस का एक्स, और एक्स क्यूब प्लस टू एक्स बराबर जीरो, इसका मतलब एक्स बराबर जीरो आना चाहिए, लोचा है क्वेश्चन के अंदर, बी नहीं आ सकता, प्लस माइनस रूट टू कैसे आ सकता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का टू आ रहा है बराबर जीरो, ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, लोचा है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलो जी ये वाला सवाल करिए आप, तो ये वाला सवाल करिए, बी बी होगा, अच्छा 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 बिल्कुल बिल्कुल ये सही बोले बच्चे, माइनस एक्स क्यूब है सर, माइनस एक्स क्यूब है, माइनस एक्स क्यूब है, इसका मतलब सही है भाई, आपका आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन राइट है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी आगे वाला सवाल फटाफट से करो, तीन चार क्वेश्चन हो रहे भी। चलो जी बोलो 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 भाई क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल कर दिया मैंने, इस क्वेश्चन का जवाब दो आप, तो इसको भी आप सारूस रूल से ही करने की कोशिश करोगे तो फायदेमंद रहोगे, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों में जीरो बनते हैं तब तो अपन कोई से भी रूल से कर लें। तो सारूस रूल से करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 5, यहाँ पे माइनस का 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे x और यहाँ पे 6, आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का 10x आएगा, इधर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 81 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस और 42 आ जाएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9x आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ये इसे कैंसिल है ना, तो यहाँ पे माइनस का x और प्लस आपके पास 9, तो x बराबर 9 आ जाएगा, राइट आंसर कौन सा आया, डी ऑप्शन आया।
डी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन आ गया बेटा। पहले वाले का जीरो नहीं आ रहा है बेटा, है ना, जीरो नहीं आ रहा है पहले वाले का। सही था, बिल्कुल सही था। इसमें जो आंसर आपके पास आएगा नाइन आएगा, है ना, सही है। चलो जी, ये वाला सवाल एक, हाँ ये वाला सवाल करिए, एक मिनट में देख लूँ कितने क्वेश्चन है। चलो पांच क्वेश्चन हो रहे, अभी पांच क्वेश्चन हो रहे, फटाफट से उड़ा दो एक एक क्वेश्चन को। अगला सवाल आ चुका है, अगला सवाल आ चुका है, बोलो 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 फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं सारूस रूल से करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को सारूस रूल से अगर आप करोगे तो फायदेमंद रहोगे, ठीक है, क्योंकि और कोई उपाय नहीं होता ऐसे वाले क्वेश्चंस में। सारूस नहीं है, सारूस रूल, अच्छा सारूस रूल मतलब क्लास तो लेते नहीं हो आप। हैं देखो क्या करते हैं, शुरू के दो कॉलम को रिपीट कर देते हैं, ये ए, ये आपके पास बी ओमेगा और ये आपके पास सी ओमेगा स्क्वायर। कॉलम को रिपीट कर देते हैं, ये बी ओमेगा स्क्वायर, ये है सी और ये है ए ओमेगा। आप मल्टीप्लाई करोगे इधर तो क्या आएगा आपके पास, ए सी स्क्वायर लिखा जाएगा प्लस में। जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 6 जो हो जाएगा 1, और वो आएगा आपके पास प्लस का बी स्क्वायर सी। और जब आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी, है ना। ऐसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का ए सी स्क्वायर आएगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी आएगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर सी आएगा। ये वाली गणित आ रही है, ये वाली गणित आ रही है, तो आप इसको पहचान लो, आइडेंटिफाई कर लो कौन सा क्या क्या कट रहे हैं। ये कट रहा है, ये कट रहा है आपका, है ना, और ये देख लो, इन दोनों के अंदर से मैंने कॉमन लिया आपका ए सी कॉमन लिया, ए सी स्क्वायर कुछ कट रहा है क्या और कोई, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना। ये बचा आपके पास ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये भी कट रहा है, सारे कट गए, जीरो आंसर, ठीक है, जीरो आंसर। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल देख लो ध्यान से और करो, क्वेश्चन को देखे कैसे करोगे। चलो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन है ना, ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क का, प्रैक्टिस अगर करी है तो जवाब भी दोगे आप लोग। पहला सवाल होमवर्क का ये है, स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखता हूँ मैं सबसे पहले कौन सा बच्चा आंसर देता है, कल उसी का नाम अनाउंस करता हूँ फिर। ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन है होमवर्क का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, है ना, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ध्यान रखिएगा बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये रहा आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये आपके पास होमवर्क का क्वेश्चन नंबर फोर, ये चार क्वेश्चन है सर आपके पास, है ना, चार क्वेश्चन है, इन चारों का आपको जवाब देना है। होमवर्क के चारों क्वेश्चन बहुत ही सीधे से क्वेश्चन है, और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। चलो मेरे जस्ट बाद में इंग्लिश की क्लास आने वाली है, तो तैयार रहिएगा इंग्लिश की क्लास के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। आपका प्यार एंड सपोर्ट मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर अभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट में, क्लास सेव होने के बाद में, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा मैं।